सो गाइज कीवी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सो गाइज आज हम देखेंगे अगले लेआउट के विषय में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था बॉक्स लेआउट के विषय में, तो आज हम कीवी में ग्रिड लेआउट के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि ग्रिड लेआउट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके कीवी ट्यूटोरियल में। बिकॉज ग्रिड लेआउट के मदद से आप कोई सा भी लेआउट अपने स्क्रीन पे बना सकते हो, कोई सा भी मॉडल अपने स्क्रीन पे बना सकते हो बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो ग्रिड लेआउट एकदम बॉक्स लेआउट की तरह है, लेकिन ग्रिड लेआउट में खासियत ये है कि आप एक ग्रिड की तरह जैसे रो एंड कॉलम के तौर पे अपने आइटम्स को अरेंज कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे ये एक रो, ये कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, थ्री कॉलम, ये कॉलम है, और ऐसे ही मतलब यहाँ पे स्पेस मान लीजिए यहाँ पे एक ये रो हो गया, और यहाँ पे ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, मतलब ऐसे अरेंज करके आप अपने जितने भी आइटम्स हैं उसको अरेंज कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे मैंने नोट्स में यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्क्रीन है आपका, और यहाँ से ये जितने भी है ये सारे कॉलम्स में आएंगे, और ये ऊपर से नीचे का जितना भी है ये रो में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे नोट्स में लिख रखे हैं, तो आपको मतलब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बाद में आप नोट्स से पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिख दिए, इंपोर्टिंग द बॉ यहाँ पे इंपोर्टिंग द बॉक्स लेआउट फ्रॉम कीवी पैकेज। यहाँ पे बॉक्स लेआउट नहीं होना चाहिए, ग्रिड लेआउट होना चाहिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया है, तो आप इसे देख लेना। डिफाइनिंग द ग्रिड लेआउट मेथड इनटू योर क्लास बॉडी, एडिंग द विजेट इन योर ग्रिड लेआउट। बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि आपने बॉक्स लेआउट पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही है। तो हम यहाँ पे सिंपली एक बटन्स का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, जैसा ही आप बनाते आए हो, तो हम जल्दी जल्दी इसको एक बटन का प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो गाइज हमारा ये एक सिंपल बटन का प्रोग्राम बन चुका है, और इसे हम रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल है बटन्स का प्रोग्राम बनाना, आप बहुत पहले से देखते आए हो। ठीक है, तो अब हम इसमें ग्रिड लेआउट को ऐड करेंगे। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से विजुअल हो। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, आप करते आए हो। तो उसके बाद हमको क्या करना होगा, एक ग्रिड लेआउट को इम्पोर्ट करना होगा। जैसे आप UIX से आप मतलब बॉक्स लेआउट को इम्पोर्ट किए थे, वैसे ही आप ग्रिड लेआउट को इम्पोर्ट करोगे। ठीक है, तो इसमें कोई यहाँ पे आप ग्रिड लेआउट मतलब यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप लेआउट को अपने अब डिफाइन करोगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस, एक वेरिएबल लेआउट नाम का बनाओगे, उसके बाद हम ग्रिड लेआउट का यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे ये लेता है कॉलम्स और एंड रो। ठीक है, तो आप अपना जो भी आइटम्स है रो एंड कॉलम्स के तौर पे आप इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम रो लिख देते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, ये यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है, और यहाँ पे लिखा है ना, द ग्रिड लेआउट कंटेन द विजिट इन टू अ मैट्रिक्स फॉर्म, ये मैट्रिक फॉर्म में लेता है इन टू अ डिस्प्ले लाइक रो एंड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें कॉलम्स में लेते हैं, कॉल्स एंड रोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे रोज ही कर देते हैं, रोज इक्वल टू टू। ठीक है, यहाँ पे टू रो के कंपेयर में लेगा, तो यहाँ पे बटन हम चार बना देते हैं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चार बटन बना देता हूँ, ओके, और यहाँ पे इसको बटन्स के नाम को मैं 1, 2, 3 एंड 4 ऑल्सो। ठीक है, और यहाँ पे भी इसका नाम भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, 2, 3 एंड 4 ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके बीच में थोड़ा स्पेसिंग देता हूँ, आपको अच्छे से विजुअल हो। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 3 एंड 4 बटन। ठीक है, तो इसके बीच में भी हमारा स्पेस हो गया। अब हमको क्या करना है, जैसा कि आपको पता होगा बॉक्स लेआउट में क्या किया गया था, हम लोगों ने लेआउट में ऐड करेंगे जितने भी विजिट हैं हम लोग के, डॉट ऐड विजिट मेथड से। ठीक है, तो ये सिंपल आपको करना है, क्योंकि हम लोग को लेआउट में ऐड करना है जितने भी हम लोग वेरिएबल बनाए हैं बटन्स के, उसको हम लोग को ऐड करना है। तो हम लोग चार वेरिएबल बना रखे हैं, तो हम लोग चारों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे तीसरा एंड चौथा। ठीक है, अब क्या करना था आपको, सिंपली इसको लेआउट को रिटर्न करा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लेआउट को रिटर्न कराया, एंड देन हम लोगों ने इसको रन कराया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हम लोगों ने क्या किया था, आपको अभी समझ में आएगा। रो इक्वल टू टू, रो क्या है, रो यहाँ पे मैंने बताया है,
ये रो है, मतलब एक दो रो हम लोगों ने दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो रो में अरेंज हो गया है चार बटन, आप समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं पांचवा बटन बना देता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। ये मतलब कैसे भी अपना अरेंज करेगा, यहाँ पे मैं पांचवा बटन बना दे रहा हूँ, पांच, ठीक है। और इसको BTN 5, बटन 5 कर दे रहा हूँ, बटन 5, ठीक है। और यहाँ पे चौथा है एंड इसको पांचवा, कंट्रोल सी, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे बटन 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पांचों बना दिया, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये दो रो में ही, यहाँ पे देखो आप, दो रो में ही ये अरेंज करेगा, जितने भी आइटम्स बढ़ाएंगे यहाँ पे इस, बस ये दो ही रो में फिट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तीसरे रो में ये मतलब नहीं जाएगा, यहाँ पे दो रो मतलब यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप दो रो में ही आप अपना जितना भी आइटम है उसको रख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और बढ़ा दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद अगर बटन बढ़ाऊँ तो इस साइड में आ जाएगा, इस साइड में, लेकिन नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मेरे ऐप में दो रो ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो रो हो गया, ऐसे कॉलम्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो कॉलम से यहाँ पे कॉल्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो COLS, तो ये कॉलम पे वो होगा, ठीक है, यहाँ पे कॉलम के रूप में अरेंज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉलम पे आ गया, तो कॉलम पे क्या हुआ, हम लोगों ने कॉलम 2 लिखा है, ठीक है। तो ये दो कॉलम पे लेगा, यहाँ पे एक कॉलम दो कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम, यहाँ पे जितने बढ़ाओगे बटन्स की संख्या ये नीचे की तरफ बढ़ती जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे कॉलम को हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि दो कॉलम ही आप इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी मदद से, क्योंकि कॉलम आपका यहाँ पे मैंने बताया रखा ना, ये कॉलम है, ये साइड, इस साइड वाला जितना भी कॉलम है इधर रो है, और रो अगर जितना करोगे तो रो मान लो मैंने 2 किया तो दो रो में ही अपने आप को ये एडजस्ट करेगा, कॉलम 2 किया तो ये दो कॉलम ही आप मतलब दो कॉलम ही यहाँ पे आएगा विजिट्स, बाकी सारे जितना भी आप आइटम बढ़ाओगे वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए, और यहाँ पे मैंने बताया है कि चेंज द रो साइज, ठीक है। अगर आपको इसकी साइज को अगर कम करना है, ज़्यादा करना है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा रो और कॉलम्स में बीच कैसे यहाँ पे ये मतलब डिवाइड करता है, ठीक है। अगर आपने दो रो किया है, यहाँ पे कॉलम्स दो किया है, तो दो कॉलम्स यहाँ पे बस इसको दिखाएगा, तीसरा कॉलम ये नहीं बढ़ा पाएगा। अगर दो रो कर दिया है तो दो रो में ही, इन दोनों रो में ही जितना भी आप आइटम्स बढ़ाओगे सारे इस साइड की ओर, इधर की साइड की ओर बढ़ते जाएंगे, नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जानी चाहिए, अगर आप इसको जी कॉलम्स की साइज़ है या रो की साइज़ है, अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने दे रखा है रो फोर्स, यहाँ पे रो फोर्स डिफॉल्ट इक्वल टू ट्रू, मतलब आप फोर्सफुली रो फोर्स डिफॉल्ट डिफॉल्ट इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, मतलब जितना भी जो साइज है ना मतलब इसकी रो की, उसको आप मतलब फोर्सफुली उसको अपने हिसाब से करोगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे आप, इसमें आप अपना साइज दे सकते हो, ठीक है। रो डिफॉल्ट हाइट, यहाँ पे आप हाइट अपने हिसाब से दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया रो डिफॉल्ट हाइट, यहाँ पे आप दे सकते हो, मान लीजिए मैंने 40 इसमें दिया है, तो मैं 40 का ही यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसका साइज एडजस्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इस सारे रो की साइज को कम कर दिया, ऐसे ही आप कॉलम्स की मतलब साइज भी कम कर सकते हो, जैसे रो फोर्स डिफॉल्ट लिखा है वहाँ पे, कॉलम कॉल्स, यहाँ पे कॉलम नहीं लिखना है, कॉल्स लिखना है और रो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी साइज भी अपने हिसाब से कम कर सकते हो, तो ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है, आप कितना छोटा रखना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा करके बड़ा करके आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो आई होप यहाँ पे आपका जो ग्रिड लेआउट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होगे।
तो ग्रिड लेआउट में बस इतना ही गाइस, और इसको आप रिवीजन करना और कमेंट बॉक्स में अगर मुझे एक कैलकुलेटर का शक्ल देना, मतलब एक कैलकुलेटर के टाइप में एक लेआउट बना के देना, ठीक है? उसका डिस्प्ले वो वाला पार्ट नहीं, बस लेआउट मुझे कैलकुलेटर वाला बना के देना थ्रू अ ग्रिड लेआउट, ठीक है? ये आपका टास्क है, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज ग्रिड लेआउट में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलते हैं, यूज मतलब इनपुट बॉक्स कैसे बनाएंगे अगले वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, सी यू द नेक्स्ट टाइम द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर लें। सो टेक केयर एंड बाय बाय।